प्रभु यीशु के नाम में आज के चर्च सर्विस में हम आप सभी सभी का स्वागत करते हैं। हम आनंदित हैं आज आप हमसे जुड़े हो। आए हमारी आंखों को बंद करें, दुआ में जाए, प्रार्थना करें। आए परमेश्वर के चरणों में जाते हुए कहे परमेश्वर से कि परमेश्वर आज अपनी उपस्थिति से इस जगह को भर दें। आए सब मिलकर आंखों को बंद करके दुआ करें प्यारों। आइए मांगे कि परमेश्वर आज जहाँ कहीं भी हम हैं, चाहे अपने घरों में क्यों ना हो, हमारे जीवनों में आज काम करें। कोई भी हम में से आज जो भी समय परमेश्वर के चरणों में बिताए वो खाली ना बना रहे, खाली हाथ परमेश्वर की हुजूरी से वापिस ना लौटे। हम जितने भी परमेश्वर के चरणों में जाएं, आज कुछ ना कुछ पाकर वहाँ से आए प्यारो। जब आज हम परमेश्वर के चरणों में बैठे, हमारे लिए आज का दिन छुटकारे का दिन बन जाए, चंगाई का दिन बन जाए, आशीषों का दिन बन जाए, प्रभु की इच्छा को पूरी करने का दिन बन जाए, प्रभु के और करीब आने का समय बन जाए। आए कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर आप मेरे जीवन में काम करो, मैं मेरा जीवन, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, अपने आप को समर्पित करे प्यारो। कहे प्रभु से, मैं सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए दुआ करता हूँ आपकी उपस्थिति से मेरे घर को, मेरे जीवन को एक और बार भर दीजिए प्रभु। आपकी सामर्थ मेरे जीवन में उतर आए, आपकी सामर्थ मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे शरीर में बहे और आज एक नई ताजगी मुझे प्रदान की जाए। परमेश्वर से कहे प्यारो, जो भी आपके बोझ हो, चिंता हो, आए आराधना में जाए, उससे पहले वो सब परमेश्वर को सौंप दे। प्रभु से कहे, प्रभु मेरे हर एक बोझों को, मेरी हर एक चिंताओं को मैं आपको सौंप देता हूँ। फ्री हो जाए प्यारो, वो आपकी चिंताओं को लेने के लिए तैयार है, वो आपके बोझों को लेने के लिए तैयार है। सब कुछ उसे समर्पित कर दीजिए। कहिए प्रभु से, मैं सब कुछ आपको समर्पित कर देता हूँ, आप सब कुछ अपने हाथों में ले लीजिए, मेरे बोझ, मेरी चिंता, मेरी परेशानी, मेरी समस्या, सब कुछ प्रभु यीशु आपको मैं दे देता हूँ। आप मुझे अनुग्रह दीजिए कि बिना किसी बोझ के, बिना चिंता के, सब कुछ बाजू पर रख कर आज आपकी आराधना मैं कर पाऊँ। आई दुआ करें। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, एक और मौका आपने हमें दिया आपकी आराधना करने का, आपके चरणों में आने का। हम इस अवसर के लिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती है प्रभु, इस समय को आप आशीषित करिए। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, ऐसे कोई भी पाप हमारे जीवन में जो हमारी और आपके बीच दीवार रूप हो, आप हमें क्षमा करिए प्यारे पिता, आप हमें माफी दीजिए, हमारे हर एक पापों को यीशु मसीह के लहू में धो दीजिए, हमें शुद्ध करे प्रभु, हमें माफी दीजिए परमेश्वर, हमें क्षमा करिए प्यारे पिता, ताकि हमारा आपकी हुजूरी में आना आशीष का कारण बने। प्रभु हम विनती करते हुए हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को, हमारे सर्वस्व को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं आज और अधिक आपकी सामर्थ हमारे जीवनों में बहने दीजिए, हमारे जीवनों में आपकी आत्मा के द्वारा काम कीजिए। हम हमारे जीवनों को आपके सामने खुले रखते प्रभु, आपके आगे हमारे जीवनों के द्वार, हमारे हृदय के द्वार खोल देते प्रभु। आप हमारे जीवनों में आइए और आप जो कुछ करना चाहते वो करिए परमेश्वर। आज के समय के विरुद्ध जो भी दुष्ट आत्माएं कार्यरत हो, उसे हम यीशु मसीह नाज़री के नाम से बांध देते, तोड़ डालते, निष्फल कर देते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी महिमा करने के लिए हमारे मुंह को खोल दीजिए प्रभु, हमारे मुंह को खोल दीजिए प्रभु, ताकि सब कुछ भूल कर हम आज आपकी आराधना कर पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। आए प्रभु को हम धन्यवाद दे प्यारो, उनकी आराधना करते हुए गाना मिलकर गाना चाहते तेरी स्तुति में करो, आराधना करो दिल से प्रभु से। कहे प्रभु,
मेरी सांस से जो है सिर्फ तेरे ही कारण है प्रभु, तेरे कारण मेरी सांस से चल रही है, मैं जिंदा हूँ प्रभु, और मेरी दुआ हर एक सांसों के द्वारा आप ही की महिमा हो। आमीन। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाना गाएं। स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से हाथों को उठाकर गाए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, ए यीशु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से हाथों को उठा कर गाए। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे यीशु तू ही तो। जहाँ मेरी भी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी भी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, हे यीशु तू ही तो। स्तुति मिलकर गाए, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मिलकर गाए, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तो। तेरी स्तुति मैं करूं,
स्तुति करता हूँ। आज की सुबह मैंने देखी सिर्फ आपके अनुग्रह के कारण, आज मैं यीशु तेरी कृपा के कारण मेरी सांस चालू है सिर्फ प्रभु तेरे कारण। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आए आज की सुबह प्रभु के नाम को हम धन्यवाद देते हुए एक और गाना चाहते हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूँगा। आइए प्रभु की भलाई को आज याद करें। प्यारो, कई ऐसे कठिन हालात होंगे हमारे जीवन में, जो कठिन हालातों में भी प्रभु हमारे साथ रहे। हालेलुया, और वो परमेश्वर है। ये गाने का सेंजा कहता है, घूरे से उठाकर चट्टान पर मुझे खड़ा किया, गम के आंसू को भी उसने पोछा और हमें हंसने का मौका दिया है। हमारे हर एक गम को उसने ले लिया है। कई ऐसे दुख, ऐसी तकलीफ, हमें लगता था इसमें से मैं कैसे बाहर आऊँगा, लेकिन यीशु हमें बाहर लाए। हालेलुया, आए उस पलों को, उस समय को, उस घटनाओं को याद करते हुए गाना गाए। प्रभु तेरी भलाई को मैं नहीं भूलूंगा, मैं तेरी महिमा के लिए गाऊंगा। आमीन। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इस हां में तेरे नाम को हर पल में गाता रहूंगा। इस हां में तेरे नाम को हर पल में गाता रहूंगा। प्रभु से कहे, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। सारे जहां में मैं गाता रहूं। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा।
भूरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछ कर हंसने का मौका दिया। भूरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया। गम के आंसू पोंछ कर हंसने का मौका दिया। मौत से मुझे बचाया, जीवन दिया। मौसे मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया। ऐसी महानता को कैसे भूलूंगा, बोले यहोवा। भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, हे यहोवा भलाई को। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। इस जहां में तेरे नाम को, इस जहां में तेरे नाम को हर पल में गाता रहूंगा। यीशु तेरे नाम को, इस जहां में तेरे नाम को हर पल में गाता रहूंगा। तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। सारे जहां में मैं गाता रहूंगा, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता। ऊंची आवाज में गाए, हे यहोवा, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। दुख के दिन में यहोवा सालों तू बन गया। निर्बलता में यहोवा निश्चित बन गया। दुख के दिन में यहोवा सालों बन गया। निर्बलता में यहोवा निश्चित बन गया। भूख और प्यास में तू यहोवा ईरे बन और प्यास में तू यहोवा ईरे बन गया। कैसे भूलूंगा, कैसे भूलूंगा मैं तेरे प्यार को। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता। आई ऊंची आवाज में गाए, इस जहां में तेरे नाम को हर पल में गाता रहूंगा। इस जहां में यीशु, इस जहां में तेरे नाम को हर पल में गाता। क्योंकि तू ही मेरी जान है यीशु, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है। सारे जहां में मैं गाता भलाई को तेरी सभाओं में गाता। ऊंची आवाज में गाए, हे यहोवा, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। सभाओं में गाता रहूंगा, सभाओं में, सभाओं में गाता। हालेलुया, यहोवा हाथों को उठाकर गाए, भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। प्यारो, वो परमेश्वर है जो दरिद्र को, टूटे हुओं को, जो सोसाइटी से, समाज से, इस दुनिया से त्यागा गया है, छोड़ा गया, उससे उठाकर ऊंचाइयों पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी क्यों ना हो, यीशु ने उठाने की ताकत रखता है। एक गवाही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे।
ये जो बहन है आईवी ऑसम, उनकी गवाही मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये बहन अभी ओरिजिनल जो फोटो है ये है, इनके डिवोर्स हो गए और डिवोर्स के बाद अपने दोनों बेटों के साथ वो नए घर में रहने लगी। उनके हस्बैंड ने उनको त्याग दिया था, उनके साथ कोई नहीं था, वो अकेले अपने बेटों के साथ एक किराए के घर में रहने के लिए गए। पूरी जिम्मेदारी अब उनके ऊपर थी, कोई उनके साथ नहीं था। और एक दिन जो वहाँ सेलिब्रेट किया जाता है थैंक्स गिविंग डे, लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, और ये बहन को आशा थी कि ये थैंक्स गिविंग डे पर कोई इनकी ओर देखेगा, इनको मदद करेगा, क्योंकि वो दिन उनके पास खाने के लिए बर्गर के अलावा और कुछ नहीं था। एक दो बर्गर उनके पास बचे थे उनके बच्चों के लिए, और उसके अलावा घर में खाने की और कोई भी चीज़ नहीं थी प्यारो। लेकिन तकलीफ दुख की बात ये हुई कि इनकी और किसी ने देखा नहीं प्यारो, ना कोई रिश्तेदार था, ना ही और कोई था जिन्होंने इनकी और देखा। कुछ उनको दिया खाने या तो और कोई गिफ्ट, कुछ भी उनको नहीं दिया गया। वो बहुत निराश थे, वो अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने अपार्टमेंट से बाहर गए थे ये आशा में कोई उनको कुछ देगा, मदद करेगा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उनकी और जब किसी ने नहीं देखा, कोई किसी ने उनकी कोई मदद नहीं की, वो निराश होकर अपने घर दोनों बच्चों के साथ लौट रहे थे। और जब वो अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुए, वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, एक एजेड लेडी थी, उन्होंने उनको देखा और तुरंत उन्होंने वो बहन को और उनके दोनों बेटों को अपने घर में बुलाया और बहुत ही आनंद के साथ उनके साथ व्यवहार किया, बहुत ही प्यार जताया, उनको बहुत अच्छा अच्छा खाना दिया और बहुत ही अच्छा माहौल उनके लिए वो बहन ने, वो बुजुर्ग जो महिला थी उन्होंने बनाया। सब कुछ उनके आगे खाने पीने की चीज़ों को रख दिया। न सिर्फ इतना, इसके अलावा भी जब वे घर जा रहे थे, उनको कुछ दिनों तक चले इतना खाना भी ये बुजुर्ग लेडी ने दिया, एक हफ्ते तक चले इतना खाना भी ये बुजुर्ग लेडी ने दिया। और ये बहन बहुत खुश थी। ये दिन जब किसी ने उनकी ओर नहीं देखा, थैंक्सगिविंग डे के दिन ये बुजुर्ग लेडी ने ये विधवा स्त्री की मदद की, अच्छा खाना दिया उनको और उनके बच्चों को, और आनंद के साथ वो बहन अपने घर गई अपने दोनों बच्चों को लेकर। और कुछ बर्तन जो वो बुजुर्ग लेडी ने ये बहन को दिए थे उसके पास थे, क्योंकि एक सप्ताह का खाना वो बुजुर्ग लेडी ने इस विधवा बहन को दिया था। तो ये बहन दूसरे दिन वो बुजुर्ग औरत को उनके बर्तन लौटाने के लिए गई। उन्होंने देखा तो घर बंद था, खटखटाया, कोई खोल नहीं रहा था। और जब उन्होंने खिड़की से देखा तो पूरा घर खाली था, घर में कोई नहीं था, पूरा घर खाली। और ये खटखटाकर सोच रही थी कि कल तो मैं यहाँ आई थी, वो बुजुर्ग लेडी ने मुझे मेरे बच्चों को इतना सब खिलाया, हमें एक हफ्ते चले इतना खाना भी दिया, और आज ये पूरा घर सुनसान है, कोई अंदर नहीं है, वो बुजुर्ग लेडी गई कहाँ पर? और वहाँ के जो सोसाइटी के मैनेजर थे, अपार्टमेंट के मैनेजर थे, वो उनके पास गई कि पूछने के लिए बुजुर्ग महिला गई कहाँ, कल ही हम उनसे मिले हैं, हमने उनके साथ अच्छा समय बिताया, वो गई कहाँ? वो अपार्टमेंट के मैनेजर ने बताया 3 महीने से वो घर खाली है, 3 महीने से वो घर खाली था, कोई नहीं था अंदर। और जब ये बहन ने ये सुना वो आश्चर्यचकित हो गई, मैं कल आई, मैं जिससे मिली वो बुजुर्ग औरत थी कौन? मैं जिसको मिली, जिसने मेरे बच्चों को मुझे खिलाया, वो था कौन? वो और कोई नहीं था प्यारो, वो परमेश्वर का दूत था। परमेश्वर हर एक दुखी, निराश और दरिद्र त्यागे हुए लोगों के पास है प्यारो। अगर आप भी निराश हो,
आप भी चिंता में हो, आप अपने प्रश्नों में उलझे हुए हो, कोई आपकी ओर नहीं देख रहा, यीशु की नज़र आपके ऊपर है। वो आपके लिए व्यवस्था करेगा, वो आपको बचाएगा, वो आपको घूरे से कीचड़ से उठाकर ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ये महिला ने तुरंत ये जान लिया, वो बुजुर्ग लेडी और कोई नहीं थी, वो परमेश्वर की ओर से भेजा गया दूत था। उसके बाद प्यारो, ये जो विधवा स्त्री थी, विधवा जो औरत थी, उसने पूरा अपना जीवन ऐसी सिंगल जो सिंगल पेरेंट जो बोल सकते हैं, अकेले हाथों से अपने बच्चों की परवरिश करती है, ऐसी महिलाओं की सेवा के लिए अपना पूरा जीवन उन्होंने खर्च किया। क्योंकि वो दिन कभी भी भूल नहीं पाई, जब उसके पास कोई नहीं था तब यीशु ने उनकी ओर देखा, जब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था तब बुजुर्ग महिला के रूप में एक दूत को भेजकर प्रभु ने उनकी जरूरतों को पूरा किया। हालेलुया, आए अपने हाथों को उठाए और आज प्रभु से कहे, प्रभु आप वो परमेश्वर जो परमेश्वर हो जो हर परिस्थिति में विश्वास योग्य बने रहते हो, जब हमारी और कोई देखने वाला ना हो, हमारे विषय में कोई सोचने वाला ना हो, जब संसार हमें त्याग दे, जब संसार हमें मदद न कर पाए, जब हमें कोई सहायता देने वाला ना हो, तब आप हमें स्वर्ग से सहायता भेजते हो, आप स्वर्ग से हमारी मदद करते हो, आप कभी भी नहीं छोड़ते, आप कभी भी त्यागते नहीं हो। वो विधवा स्त्री की और किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु की नज़र उनके ऊपर थी, क्योंकि वो परमेश्वर है जो दरिद्र को, गिरे हुए को घूरे से उठाकर, कीचड़ से उठाकर ऊंचाई पर बैठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, अगर विश्वास करते हो तो आइए एक और बार ये गाना गाने का स्टैंजा फिर से गाए विश्वास के साथ, या प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, करती हो तो घूरे से उठाकर चट्टान पर, ऊंचाइयों पर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। आमेन। घूरे से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया, हंसने का मौका दिया, घोड़े से उठाकर चट्टान पर मुझको खड़ा किया, गम के आंसू पोंछकर हंसने का मौका दिया, मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया, गाय मौत से मुझे बचाया, अनंत जीवन दिया, ऐसी महानता को कैसे भूलूंगा, यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा, इस हां में तेरे नाम को, इस हां में तेरे नाम को हर पल में गाता रहूंगा, यीशु इस हां में तेरे नाम को हर पल में गाता रहूं, क्योंकि तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, तू मेरी जान है, तुझ पर ईमान है, सारे जहां में मैं गाता रहूंगा, यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता, यहोवा भलाई को, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता, ताली बजा कर गाए, हे यहोवा भलाई को, हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता, सभाओं में गाता रहूंगा, सभाओं में गाता, गाता रहूंगा, हालेलुया, यहोवा भलाई को तेरे सभाओं में गाता, आए मुखों को खोले, उसे धन्यवाद देखे, यीशु तेरा धन्यवाद, क्योंकि आप मेरे साथ हो प्रभु, हर परिस्थिति में, हर समय में आप कभी भी नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर हो, आपकी नजर हमेशा मेरे ऊपर रहती है प्रभु,
आप वो परमेश्वर हो, कितना भी नीचे मैं गिर क्यों ना गया हो, वहां से मुझे उठाकर ऊंचाई पर चट्टान पर खड़ा कर सकते हो। आप मेरे यहोवा निस्सी बनकर मेरे युद्धों को लड़ने वाले परमेश्वर हो, सालों बनकर मुझे शांति देने वाले परमेश्वर हो। आप हमेशा मेरे लिए भले बने रहे हो। दुनिया की ओर से मैं भलाई को देखूं या ना देखूं, आपकी ओर से मैं भलाई को निश्चय अनुभव करूंगा। हालेलुया, हाथों को उठाकर गाए एक और बार, हे यहोवा भलाई को तेरी सभा में गाता रहूंगा। हे यहोवा भलाई को तेरी सभाओं में गाता रहूंगा। हालेलुया। एक और आखिरी गाना प्रभु को धन्यवाद देते हुए गाए। आज जब हम प्रभु भोज में शामिल होने जा रहे प्यारो, आए उससे महिमा देते हुए गाए, प्रभु से कहे तेरा लहू देता सिफा, यीशु के लहू में प्यारो सामर्थ है, यीशु के लहू में छुटकारा है प्यारो, और आए वो छुटकारे को आज घोषित करें, और प्रभु से कहे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरे लहू की सामर्थ को आज मैं फिर से अनुभव करूंगा। उसने कोड़े खाए ताकि हम चंगे हो जाएं प्यारो, उसने ताड़ना सही हमारी शांति के लिए, हमारे श्राप दर्द दुख सब कुछ उसने अपने सिर पर लिया है। आज उससे धन्यवाद दे, कहे यीशु तेरे लहू में सिफा है, छुटकारा है। और जब हम प्यारो यीशु के लहू की सामर्थ को गाते हैं, घोषित करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसका अनुभव हम करेंगे। आमीन। आए प्रभु को महिमा देते हुए गाए। Me
तूने मेरे रोगों को सह लिया, मेरे गुनाहों के कारण तू घायल हुआ। तूने अपनी जान देकर मुझे जिंदा किया। हाथों को उठा कर गाए, तेरे कोड़े खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। तूने अपनी जान देकर जिंदा किया, जीऊंगा मैं तेरे लिए, जीऊंगा मैं तेरे लिए है मेरे मसीहा, है मेरे मसीहा तेरा लहू देता सिफा। हाथों को उठा कर गाए, तेरा लहू, तेरा लहू देता शमा। सूली पे तू कुर्बान हुआ मेरे लिए, सूली पे तू कुर्बान हुआ, देने मुझे जीवन नया, जीवन नया तूने सहे, कितने जख्म तेरी मोहब्बत का प्यार सागर से भी गहरा है प्यारो, वो हमारी समझ से भी परे हमसे प्यार करता है, उससे नाप नहीं सकते उसके प्यार को। प्यारा प्यारो, मैं और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि यीशु मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी प्रूफ दे दिया है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। अपने जीवन की कीमत चुकाकर उन्होंने प्रूव किया है कि वो हमें अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करता है। हालेलुया, अपने हाथों को उठाए, प्रभु से कहे, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा है, और आज मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूँ, तेरे प्यार के लिए तेरे नाम को ऊंचा उठाता हूँ। सागर से गहरा है प्यार तेरा, दिल से करूं मैं इकरार तेरा। सागर से, सागर से गहरा प्यार तेरा, दिल से करूं यीशु, दिल से करूं मैं इकरार तेरा, तू ही मसीहा संसार में, तेरे लहू से मुझे नया जीवन मिला। तू ही मेरी पनाह यीशु, तू ही मेरी है पनाह, तू मेरा
आशरा तेरे लहू से मुझे नया जीवन मिला आपने मेरे लिए जो किया है प्रभु यीशु वो तब किया जब मैं पापी था, जब मैं गुनहगार था, तब आपने प्रभु यीशु अपना जीवन दे दिया, तब प्रभु यीशु आपने मेरे लिए कीमत चुकाई। मैं आज आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ यीशु, मेरे लिए छुटकारे की आस आज भी जीवित है यीशु, मुझे कीमत नहीं चुकानी, मुझे नंगे पैर नहीं चलना है, मुझे 10 रुपये भी नहीं खर्च करने, मेरी मेरे छुटकारे के लिए, मेरी मेरे उद्धार के लिए, मेरी चंगाई के लिए, क्योंकि मेरी चंगाई, मेरे उद्धार, मेरे पापों की क्षमा के लिए यीशु आपने कीमत चुका दी है। आपने ये नहीं बोला कि वो मार्ग है वहाँ जाओ, ये कठिन है चलो, ये तपस्या करो, ये करो, वो करो, आपने नहीं बोला। आपने बोला संपूर्ण हुआ, जो भी करना था मैंने कर दिया है, मैं मार्ग हूँ, मार्ग ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, आप सी मेरे पास आओ। प्रभु यीशु आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं, हाथों को उठा कर गाए प्यारो, तेरा लहू तेरा सिवा तेरा लहू देता क्षमा सुली कुर्बा हुआ देने मुझे जीवन नया तूने सहे जखम तेरी मोहब्बत है बेबयान तेरी मोहब्बत यीशु है यीशु हम आपके नाम को देते हैं, आपके प्यार की कोई तुलना नहीं, हम आपसे प्यार करें उससे पहले और उससे बढ़कर आपने हमसे प्यार किया है, सिर झुकाकर हम आपके प्यार के लिए तहे दिल से आपके नाम का धन्यवाद करते हैं प्यारे यीशु।
धन्यवाद हमारी शांति के लिए आपने धारणा सहे, हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए, हमारी पापों की क्षमा के लिए आपने लहू बहाया। हम इस महामूल्यवान भेंट और बलिदान के लिए सिर झुकाकर प्रभु यीशु आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। अगर आपने ये कीमत नहीं चुकाई होती, हमें आज कीमत चुकानी पड़ती, हमें आज कष्ट सहन करना पड़ता, हमें आज कुछ ना कुछ करना पड़ता, कि जो भी करना था यीशु आपने कर दिया। आदर मान सम्मान यीशु हम आपको देते हैं, हमारी धन्यवाद की भेंटों को आप कबूल करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। भजन संहिता उसका 61 चैप्टर, आइए हम साथ मिलकर पढ़े। और आपकी स्क्रीन पर आप अध्याय देख रहे हो, आइए मिलकर पढ़े। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की और ध्यान दे। आते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको चला, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। का वचन जो प्यारो कहता है वो हमें ध्यान से सीखना है। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर का दास प्यारो प्रभु को चिल्लाता है अपने संकट के समय में, और चिल्लाकर सिर्फ ये नहीं कहता, ओ प्रभु मुझे बचा ले, तू कहाँ है, तू क्यों नहीं सुन रहा, क्यों ये संकट, क्यों ये तकलीफ, क्यों ये समस्या, प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, प्रभु तूने मुझे त्याग दिया है, तू कहाँ चला गया, तू दिखता नहीं है। चिल्लाना ये नहीं है प्यारो, यहाँ जो चिल्लाने के विषय में बात की गई है ये चिल्लाना नहीं है, है ना। यहाँ पर परमेश्वर का दास चिल्लाता है, मतलब वो दुआ करता है। प्यारो हम हमारे संकट के समय में क्या कैसे चिल्लाते हैं? क्या वो चिल्लाना दुआ के रूप में होता है, या वो चिल्लाना कुड़कुड़ाहट के रूप में होता है, सिर्फ दोष देने के रूप में होता है? प्रभु का दास तो यहाँ कहता है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की और ध्यान। वो जो पुकारते थे प्यारो वो दुआ के रूप में था। हमारा पुकारना और ये परमेश्वर का दास जो पुकार कर रहा है उसमें फर्क है प्यारो। हमारा पुकारना कई बार कुड़कुड़ाहट के रूप में होता है, दोष के रूप में होता है, लेकिन प्रभु का दास संकट के समय में यहाँ जो कर रहा है वो दुआ है। वो चिल्ला कर दोष नहीं देते, कुड़कुड़ाहट नहीं कर रहे, वो चिल्ला कर जो कर रहे है वो है दुआ। और प्यारो आगे यहाँ पर लिखा है, मूर्छा खाते समय में पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। वो प्रभु को बता रहा है मूर्छा खाते समय, मतलब जब बेहोश हो जाओ, इतनी तकलीफ बढ़ जाए, तब मैं क्या करूंगा, पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। मतलब कहीं पर भी मैं क्यों ना हो, मैं तुझे पुकारूंगा। भले कितना भी अंधेरे में दसा हुआ हूँ, कितना भी मैं तुझसे दूर हूँ, कितना भी मैं ऐसी जगह पर हूँ जो आप प्रभु आपसे बहुत ही दूर हो, फिर भी मैं वहां से पुकारूंगा। ये परमेश्वर का दास कहता है, मूर्छा खाते समय, बेहोश हो जाओ इतनी भारी विपत्ति के समय, भले मैं कितना भी दूर क्यों ना हो, पृथ्वी की छोर तक भी क्यों ना मैं पहुंच गया हूँ, मैं वहां से तुझे पुकारूंगा, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चला। और जब मैं पुकारूंगा प्रभु क्या करेगा, प्रभु वो चट्टान जो हमारे लिए ऊंची है, यहाँ पर जो लिखा है
क्यों ना हो, ऐसी परिस्थिति में हम कितने भी डूब क्यों ना गए हो, हमारी परिस्थिति में हमें लगता है हम बहुत ही डूब गए, बहुत ही दूर चले गए, हमारी तकलीफ हमारी समस्या में बहुत ही दूर क्यों ना ले गई हो प्यारो, पृथ्वी की छोर तक भी आप भले क्यों ना पहुंच गए, वहां से भी आपको पुकारना है। और जब आप पुकारोगे प्यारो, जो चट्टान आपके लिए ऊंची है, जो चट्टान पर आप नहीं चढ़ सकते, प्रभु वहां लोया। आगे की आयत हम पढ़ना चाहते हैं, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास कहता है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा खड़े। हालेलुया। मैं प्रभु का दास क्यों चिल्ला रहा है, क्यों दुआ कर रहा है, क्यों पृथ्वी की छोर तक भले पहुंच गया हो, वहां से भी प्रभु को ही वो पुकारना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि प्रभु उसका शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए एकमात्र गढ़ मतलब सुरक्षा अगर कोई है तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। प्यारो प्रभु हमारा शरण स्थान है, प्रभु हमारी सुरक्षा है। प्यारो आप कि आपके शत्रु कितने भी बड़े, आपके शत्रु आपके भी बड़ी क्यों ना हो, एक बात हमें ध्यान में रखनी है, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु का दास कहता है, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए मेरा ऊंचा गढ़ है। छोटा मोटा नहीं प्यारो, आराम से तोड़ दिया जा सके, आराम से उसको ढा दिया जा सके, आराम से उसके ऊपर विजय पाया जा सके, ऐसा गढ़ नहीं है प्रभु। प्रभु हमारा ऊंचा गढ़ है। बाजू वाले को बोलिए, प्रभु मेरा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। ऊंची आवाज में बाजू वाले को बोलिए, प्रभु यीशु मेरा ऊंचा गढ़ है। आमीन। ऐसा गढ़ नहीं है प्यारो प्रभु यीशु जिसके ऊपर शत्रु, आपका शत्रु चाहे कोई भी क्यों ना, वो बीमारी के रूप में हो, वो कर्जे के रूप में हो, वो कोई विरोधियों के रूप में हो, चाहे कोई भी शत्रु क्यों ना हो प्यारो, वो शत्रु यीशु रूपी गढ़ में अगर आप रह रहे हो, आपके ऊपर कभी भी विजय हासिल नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मेरा और आपका ऊंचा गढ़ है प्यारो। मेन इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, भजन संहिता 61 चैप्टर और चौथी आयत, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। हालेलुया। प्रभु का दास ये जो बोल रहा है प्यारो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी आयत भजन संहिता 61 चैप्टर और उसकी चौथी आयत, प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। प्रभु का दास क्यों सुरक्षित है प्यारो? क्योंकि ये जो प्रभु का दास है वो कहीं और सुरक्षा लिए हुए नहीं है, उसका भरोसा उसकी सुरक्षा का आधार परमेश्वर है, परमेश्वर की सुरक्षा के दायरे में वो बना रहा है प्यारो। प्रभु के सुरक्षा के दायरे से तंबू से वो बाहर नहीं जाना चाहता। वो कहता है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा, मैं तेरी पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। क्या प्यारो आपके संकट के समय में, आपके दुख के समय में, आपकी तकलीफ के समय में ये आपका कमिटमेंट है, ये आपके मुंह से निकलता है, प्रभु मैं तेरे साथ बना रहूंगा। कई बार हम कुछ लोगों के लिए दुआ करते हैं, काफी सलाह उनको देते, ये करो वो करो, दुआ करना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, प्रभु के साथ बने रहना, लेकिन वो अपने प्रश्नों में इतने उलझे हुए होते, ये जो हम बोल रहे हैं प्रभु के तंबू में बना रहना, प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की करीबी में बना रहना, प्रभु के साथ जुड़े रहना, वो उनके लिए मायने नहीं रखता, वो उनके लिए महत्व नहीं रखता। कई बार हमारे आने के बाद वो कहते हैं, ये तो सब बताते रहेंगे, मेरी ये समस्या मैं कहाँ से बाहर आऊँ, कैसे बाहर आऊंगा, मेरे प्रश्न है इसका जवाब मुझे कहाँ से मिलेगा। अरे जवाब जो है वही तो हम बता रहे हैं, आपको कैसे परिस्थिति से बाहर आना है, कैसे शत्रु से बचना है, कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे आपकी जरूरतों की पूर्ति होगी, वही तो हम बता रहे हैं।
अगर आप परमेश्वर की सुरक्षा के दायरे में बने रहते हो, उसके तंबू में बने रहते हो, तब ही आपकी सुरक्षा हो पाएगी प्यारो, तब ही आपकी जरूरतों की पूर्ति हो पाएगी, तब ही प्रभु की ओर से जो सुरक्षा मिलने वाली है उसके वो आशीष को आप पा सकोगे प्यारो। ये बात हमें ध्यान में लेनी है प्यारो। प्रभु का दास कहता है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। तंबू में बना रहना मतलब क्या है? तंबू में बना रहना मतलब क्या? प्रभु के संग बना रहना, प्रभु का साथ नहीं छोड़ना, प्रभु का हाथ पकड़ कर रखना। तो क्या भाई, मैं सुबह उठकर बोलूं प्रभु मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा हाथ पकड़ कर रखा है, उसका मतलब मैंने क्या सचमुच प्रभु का हाथ पकड़ कर रखा है? क्या मैं सिर्फ मुंह से बोलूं कि प्रभु मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरा हाथ पकड़ कर रखा है, उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं प्रभु के तंबू में हूं, प्रभु की करीबी में हूं, प्रभु की सुरक्षा के दायरे में हूं। मैं प्रभु की सुरक्षा के दायरे में कैसे बना रह सकता हूं? प्रभु के साथ दुआ के द्वारा, वचन के द्वारा जुड़े रहने से प्यार, वो जो कहता है वो करते रहने से, तब मैं कह सकता हूँ प्रभु मैं तेरे तंबू में बना रहा हूँ। सिर्फ मुंह से बोलू प्रभु मैं तेरे तंबू में बना रहा हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैंने तेरा हाथ पकड़ कर रखा है, मैं तुझसे दूर नहीं जाने वाला, ये सिर्फ मुंह से कहने से नहीं होता प्यारो। सचमुच में हमें काम में कार्यों के द्वारा प्रभु से जुड़ा रहना है। कौन से काम? दुआ के द्वारा, वचन के द्वारा, प्रभु जो कहता है वो करने के द्वारा हम उसके तंबू में बने रह सकते। सिर्फ मुंह से बोलने से ये नहीं होगा प्यारो। मैं और आप अगर सुरक्षित रहना चाहते हैं, मैं और आप अगर चाहते कि शत्रु हम पर विजय न पाए, मैं और आप अगर चाहते प्रभु हमारी सुरक्षा बने, तो हमें उसके तंबू में, मतलब उसकी करीबी में, उसकी सुरक्षा के दायरे में, उसने जो हमें कहा है उसमें बना रहना पड़ेगा प्यारो। और जब हम उसमें बने रहेंगे, आपको विश्वास दिलाते प्यारो, आप सबसे सुरक्षित रहोगे, क्योंकि प्रभु अपने पंखों की आड़ में आपको सुरक्षित रखेगा। प्रभु का दास कहता है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। कई लोग ऐसे हैं जो प्रभु के तंबू में आते हैं लेकिन उसे गेस्ट हाउस समझते हैं, एक दो दिन रहते हैं वापिस गायब हो जाते हैं, एक आध दो महीने रहते हैं फिर वापिस गायब हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, प्रभु का दास यहाँ कहता है, प्रभु मैं तेरे तंबू में दो चार दिन, दो चार महीने नहीं रहूंगा। प्रभु का दास कहता है, मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। चाहे दुख आए, चाहे संकट आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे आज मेरी दुआ ना सुनी जाए, लेकिन प्रभु मैं तेरे तंबू में युगानुयुग, युग बदल जाए, साल बदल जाए, महीने बदल जाए, लेकिन मैं तेरे तंबू में बना रहूंगा। हालेलुया। हाथ उठाकर प्रभु से कहे, प्रभु आज यह अनुग्रह मुझ पर होने दीजिए कि मैं तेरे तंबू से बाहर न जाऊं, मैं तेरे तंबू में, मतलब तेरी सुरक्षा के दायरे में, तेरी करीबी में मैं बना रहूं। हालेलुया। जब आप उसके तंबू में थोड़े दिनों के लिए नहीं, हमेशा के लिए, निरंतर हर दिन बने रहते हो प्यारो, वो आपकी सुरक्षा करेगा, वो आपकी जरूरतों की पूर्ति करेगा, हर एक आपकी जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी प्यारो। प्रभु अपने पंखों की ओट में, यहाँ पर लिखा है, मैं तेरी पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। और उसका परिणाम क्या आता है प्रभु के दास का जो अनुभव है वो आप सुनिए प्यारो। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये है उनका सब भाग तूने मुझे दिया है। ये परमेश्वर के दास का परमेश्वर के तंबू में, मतलब परमेश्वर की करीबी में बने रहने का परिणाम है प्यारो। जब वो परमेश्वर के तंबू में दो चार दिन नहीं, युगानुयुग समस्या आई, तकलीफ आई, कुछ भी हुआ, लेकिन जब वो परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर की करीबी में बना रहा, तब क्या हुआ? परमेश्वर ने मेरी मन्नतें सुनी, परमेश्वर ने उनकी दुआओं को सुना, परमेश्वर ने उनकी मन्नतों को पूरा किया, उनकी जरूरतों को पूरा किया। और प्रभु के डरवैये का जो भाग है, जो प्रभु से डरते हैं उनके लिए प्रभु ने जो आशीष रखी है
वो प्रभु ने उनको दी। हालेलुया। प्यारो, आप प्रभु के तंबू में बने रहने वाले लोग हैं। पहला प्रश्न मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु के करीब बने रहते हो? संकट के समय में, दुख के समय में क्या आपकी प्रार्थना चालू रहती है? क्या आपका विश्वास बना रहता है? क्या आप वचन पढ़ना जारी रखते हो? अगर आप प्रभु के तंबू में रहने वाले हो, प्रभु आपको आशीष दे, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है प्रभु आपकी मन्नतों को पूरी करेगा, प्रभु आपकी दुआओं को सुनेगा। प्यारो, और प्रभु के डरवयों के लिए प्रभु ने स्पेशल ब्लेसिंग्स रखी है, वो प्रभु आपको देगा। प्यारो, जरूरी है हम प्रभु के तंबू में युगानुयुग, मतलब हर दिन प्रति माह, महीने और साल बने रहे, थोड़े समय के लिए नहीं, तब ही मैं और आप प्रभु की आशीषों को देख पाएंगे। एक गवाही हम आपसे प्यारो शेयर करना चाहते हैं। एक बहन थी प्यारो, जो परमेश्वर के साथ बनी रहने वाली औरत थी, रोनी केंड्रिक। और ये न सिर्फ शब्दों में, दुआओं के द्वारा हर रोज प्रतिदिन सालों से प्रभु के करीब बनी रही थी, प्रभु के चरणों में हर रोज जाती, बहुत ही प्रेयरफुल लाइफ ये लेडी जीती थी प्यारो। वो हर दिन प्रभु के चरणों में, प्रभु के निकट, प्रभु के तंबू में जाना चूकती नहीं थी। और ये लेडी के विषय में उनकी बेटी गवाही देती है, 1948 में वो जहां रहती थी वहां एक बड़ा टॉर्नेडो, आपको पता है बड़ा भवंडर होता है, कुछ भी उसके आगे नहीं टिकता, जो भी उसके आगे आता है वो उसे तोड़ डालता है, नष्ट कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। और ऐसा टॉर्नेडो जब वहां आया जहां ये बहन रहती थी, ये लेडी ने, ये उनका ओरिजिनल फोटो है, ये लेडी ने अपने तीनों बच्चों को एक टेबल के नीचे रख दिया, और टेबल के नीचे बच्चों को रख कर फिर ये लेडी जो थी वो दुआ करने लगी। आपको फोटो दिखाई देते प्यारो? अगर नहीं दिखाई देते तो प्लीज आप मुझे बताएं, क्योंकि एक आध बार ऐसा हुआ था, हम यहाँ से शेयर करते लेकिन कई बार दिखाई नहीं देता, अगर आपको दिखाई देते तो आप हमें बता सकते। ओके, तो ये जो लेडी थी उन्होंने अपने बच्चों को टेबल के नीचे रखा और खुद ऐसे टॉर्नेडो के बीच, इतनी बड़ी तबाही लाने वाला टॉर्नेडो जो उनके घर की ओर आ रहा था, उसके बीच वो दुआ करने बैठ गई। हालेलुया। वो परमेश्वर के तंबू में गए, प्रभु के करीब गए, क्योंकि उसे पता था एकमात्र घर, एकमात्र सुरक्षा, एकमात्र बचाने वाला कोई है तो वो जिंदा खुदा है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। ऐसे तूफान के समय में, बड़ा टॉर्नेडो आते हुए देख प्यारो, अगर हम होते तो यहाँ वहां भागा दौड़ी करते, अपने जान बचाने के लिए वो जगह छोड़कर भाग जाते, दुआ तो हमें याद भी नहीं आती। प्यारो, ये लेडी ने अपने तीन बच्चों को टेबल के नीचे सुरक्षित रखा और फिर कंटिन्यूस वो दुआ करने लगी, प्रभु के तंबू में जाकर, प्रभु के करीबी में जाकर उसने दुआ करना जारी रखा। क्या हुआ प्यारो? इतना बड़ा भवंडर आकर गया, अब बड़ी तबाही हुई। ये आप ओरिजिनल फोटोग्राफ्स देख रहे हो, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा, घर टूट गए थे, जो भी उसके मार्ग में आया, बड़े भवंडर के, टॉर्नेडो के, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, कुछ भी बचा नहीं। बड़े बड़े व्हीकल भी जैसे खिलौने हो वैसे उसने उछाड़ कर फेंका, सब कुछ तोड़ फोड़ हो गए, कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये देखिए आप वहां के कुछ पिक्चर्स, ऐसी हालत हुई घरों की। अब ऐसे भयंकर टॉर्नेडो में ये बहन अपने घर में दुआ कर रही थी, अपने बच्चों को सिर्फ टेबल के नीचे छोड़कर उसने दुआ करना शुरू किया था प्यारो। और आप देखिए घरों की हालत क्या हुई, सब घर टूट,
दिखाई देता है प्यारो, फिर से हम आपको बताना चाहते हैं क्योंकि ये लेडी है जो अब दिखाई देता है। क्लियर? फास्ट, ओके। ये जो लेडी है वो जिसकी हम गवाही आपको देना चाहते हैं, वो ये लेडी है। उसने अपने तीनों बच्चों को टेबल के नीचे रख दिया और फिर खुद दुआ करने लगी प्यारो। और आप देख रहे हो ये ओरिजिनल पिक्चर्स है। सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, सब कुछ बेर बिखेर था, घर घरों को उस टॉर्नेडो ने तबाह कर दिया। यहाँ आप देख रहे हो घर टूटे हुए, वाहनों को जो व्हीकल्स थे उसको उसने उड़ाकर फेंक दिया यहाँ से वहां। इतना भारी और इतना तबाही लाने वाला ये टॉर्नेडो था। आप घर देख रहे हो टूटकर, सब कुछ घर का बिखर गया था प्यारो। और ऐसे समय में ये लेडी जो थी वो दुआ कर रही थी, ऐसे समय में ये लेडी प्रार्थना कर रही थी अपने छोटे बच्चों को टेबल के नीचे छिपा कर। ऐसे कठिन हालात में उसने दुआ की, परमेश्वर के तंबू के अंदर गई, परमेश्वर के करीब गए प्रभु की सहायता पाने के लिए। और प्यारो आप देखिए ये भारी तबाही के कुछ दृश्य है वो टॉर्नेडो के। झाड़ों को भी उसने उखाड़ कर फेंक दिया, वहां का जो चर्च था उसके भी जो उसकी भी जो नींव थी पूरी हिल गई। लेकिन ये लेडी का क्या हुआ होगा जो इसने इतने भारी कठिन माहौल में, भारी टॉर्नेडो में भी प्रभु के तंबू में गए, प्रभु की करीबी में गए, प्रभु के आगे जाकर वो दुआ करने लगी। उसका क्या हुआ होगा, उसके घर के क्या हालात हुए होंगे। ये उनका घर है प्यारो, हालेलुया, ये उनका घर है प्यारो। हाँ यही जगह पर टॉर्नेडो आया, आकर चला भी गया, लेकिन उनका घर एकदम सुरक्षित है, उनका घर एकदम सुरक्षित है, अनटच जिसे बोल सकते हैं। कहीं पर टॉर्नेडो ने ये घर को नहीं छुआ, कहीं पर भी टॉर्नेडो ने इस घर को हानि नहीं, टॉर्नेडो इस घर को हानि नहीं पहुंचा पाया। क्यों? कि इस घर में एक बहन थी जो तूफान के बीच भी परमेश्वर के पास जाकर, इस बड़े भंडर के बीच भी वो परमेश्वर के तंबू में, परमेश्वर की करीबी में जाना नहीं चुकी प्यारों। इस बड़े भवंडर के बीच भी प्रभु के चरणों में गई, परमेश्वर के तंबू में गई और प्रभु के चरणों में जाकर दुआ करने लगी। और उसका परिणाम क्या है प्यारों? प्रभु ने अपने वचन के अनुसार, जैसे प्रभु का दास कहता है, तूने मेरी मन्नत सुनी, जो तेरे नाम के डरवैये है उनका सब भाग तूने मुझे दिया है। प्रभु ने ये लेडी की मन्नतों को सुना, दुआओं को सुना प्यारो। क्या आप चाहते हो प्यारो, आप इस कठिन हालात आजू बाजू जो महामारी फैली हुई है जिसके कारण काफी असर आपको आपके परिवारों को पहुंची होगी प्यारो। हर जगह आप देखो तो बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स है, जॉब के प्रॉब्लम्स है, घर में प्यारो हमें जो भी चीजों की जरूरत होती है, कई लोग ऐसे जिनको जरूरतों की चीजें भी नहीं मिल रही, और आजू बाजू हर जगह देखो एक डर का माहौल है। लेकिन इन सब के बीच प्यारो एक बड़ी आशा हमारे लिए है, जो लोग प्रभु के तंबू में जाएंगे, प्रभु की करीबी में जाएंगे, एक दिन के लिए नहीं हर रोज जाते रहेंगे, वो लोगों की दुआओं को प्रभु सुनेगा, उन लोगों के पुकारों को प्रभु सुनेगा, उनकी मन्नतों को, उनकी जरूरतों को प्रभु पूरी करेगा और प्रभु उनको अपनी पंखों की ओट में संभाले रखेगा। हालेलुया। प्रभु का दास आगे वचन में कहता है, तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी के पीढ़ी बराबर होंगे। भजन संहिता अध्याय 61 और 7वीं आयत, आखिरी दुआ पढ़कर हम पूरा करेंगे। भजन संहिता अध्याय 61 और 7वीं आयत में पढ़ना चाहता हूँ, वह परमेश्वर के सन्मुख सदा बना रहेगा, तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहराए रख। प्रभु उन लोगों को जो उसके तंबू में बने रहते, उसके करीब बने रहते, उसकी उपस्थिति में बने रहते, उसका कहा करते, उसके साथ रहते, उनके लिए कहता है वे परमेश्वर के सन्मुख बने रहेंगे और प्रभु की करुणा और सच्चाई उनकी रक्षा करेगी। हालेलुया।
प्रभु की करुणा और प्रभु की सच्चाई आपकी सुरक्षा बनेगी प्यारो। आखिरी आठवीं आयत में पढ़कर पूरा करूंगा, और मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूंगा। रिजल्ट क्या आएगा? प्रभु की आराधना। शुरुआत कहाँ से होती इस अध्याय की? पहली आयत में लिखा था प्रभु मैं चिल्लाता हूँ, मेरा चिल्लाना सुन। दूसरी आयत में हमने पढ़ा मूर्छा खाते समय, मतलब बेहोश हो जाओ इतनी भारी कठिन हालात में, वो परमेश्वर का दास था। आगे लिखता है पृथ्वी की छोर, मतलब कहीं दूर ऐसे जगह जो वीरानी हो, कहां तो बहुत दूर हो जहां कोई नहीं पहुंच सकता, ऐसी जगह पर वो था। चिल्लाता था, मूर्छा मतलब बेहोश हो जाए, ऐसी भारी परिस्थिति, विकट परिस्थिति उसके ऊपर थी, कहीं दूर वीराने में था, उसे लगता होगा ये तो मैं पृथ्वी के छोर तक पहुंच गया हूं। और एंड कहां होता है? कहता है सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर मन्नत हर दिन पूरी किया करूंगा। एंड होता है आराधना के द्वारा। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे भारी कठिन हालात में, बेहोश हो जाए इतने भारी दबाव में, वो एक चीज करना भूलता नहीं है। वो कहता है मैं तेरे तंबू में युगानुयुग बना रहूंगा। क्या प्यारो आप वो लोग हो जो प्रभु के तंबू में युगानुयुग बने रहते हो? सिर्फ मुलाकात लेकर चले जाने वाले लोगों की बात नहीं करता वचन। सिर्फ संडे प्रभु के भवन में आए, प्रभु के चरणों में बैठे और फिर गायब हो जाने वाले लोगों के लिए ये वचन नहीं है प्यारो। ऐसे लोग जो प्रभु के तंबू में, मतलब उसकी हुजूरी में, उसकी करीबी में हमेशा बने रहते, प्रभु अपने पंखों की सुरक्षा में उनको बनाए रखेगा, उनकी मन्नतों को पूरा करेगा, प्रभु उनको सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जैसे वो लेडी के विषय में हमने पढ़ा, देखा इतना भारी टॉर्नेडो, सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, लेकिन उसका जो मकान था, उसका जो घर था, वो अनटच था। वो टॉर्नेडो उसे छू भी नहीं सका, छुए बिना वहां से चला गया, क्योंकि वो लेडी प्रभु के तंबू में रहने वाली, प्रभु की हुजूरी में रहने वाली, दुआ करने वाली, प्रभु के ऊपर भरोसे में कायम रहने वाली लेडी थी। कठिन हालात में भी प्रभु के तंबू में, प्रभु की करीबी में जाना न चुके प्यारो। कठिन हालात में अगर कोई सुरक्षा है तो वो हमारा प्रभु है। कठिन हालात में अगर कोई बचाव की आशा है तो वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा गढ़ है। आइए हम दुआ में जाए, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। आइए अपनी आंखों को बंद करें प्यारो, और प्रभु से कहे कि प्रभु जैसे आपके दास के जीवन के द्वारा हमने सीखा, आप हमें अनुग्रह दो कि हम आपके तंबू में बने रहने वाले बने, हर रोज दुआ करने वाले, हर रोज आपके वचनों को पढ़ने वाले और उसके अनुसार करने वाले, हर रोज विश्वास में बने रहने वाले बने। आपके तंबू से प्रभु हम दूर न जाए, सिर्फ रविवार को आपके चरणों में आए और बाकी के दिन गायब हो जाए, आपकी उपस्थिति में आना चूक जाए, दुआ करना भूल जाए, प्रभु ऐसा न हो। प्रभु कठिन हालात में भी जब परिस्थिति हम पर दबाव डाले, तब भी हमें आपके तंबू में, आपकी करीबी में आने का अनुग्रह दीजिए। परमेश्वर के दास के विषय में भजन संहिता 61 में हमने जैसे पढ़ा, ऐसी भारी दबाव परिस्थिति उस पर डालती थी कि वो कहता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, मूर्छा आ जाए, बेहोश हो जाए। इतनी भारी परिस्थिति, इतना भारी दबाव उस पर होने के बावजूद भी वो कहता है मैं परमेश्वर के तंबू में युगानुयुग रहूंगा। क्या प्यारो आप वो परमेश्वर के लोग हो जो भारी दबाव के बीच भी, कठिन हालातों के बीच भी, जब परिस्थिति आपके ऊपर दबाव डाले, तब भी प्रभु के तंबू में जाना नहीं चुकते? तो आपके लिए आनंद के समाचार है। प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा, प्रभु आपकी मन्नत जरूरतों को, प्रार्थनाओं को सुनकर उसे पूरा करेगा, प्रभु आपका घर बनेगा, प्रभु अपने पंखों की आड़ में आपको सुरक्षित रखेगा प्यारो, और आखिर में उनकी आराधना आप करोगे प्यारो। लेकिन प्रश्न ये है, क्या परिस्थिति जब हम पर दबाव डाले, कठिन हालात से हम जब गुजरे, तब क्या वो बहन की तरह हम
बवंडर के बीच भी प्रभु के तंबू में प्रभु की उपस्थिति में जाना, प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं प्यारो, या हम प्रभु की उपस्थिति में जाना चूक जाते हैं प्यारो। अगर हम चूक जाते हैं, आइए आज प्रभु से कहे, प्रभु तू हमें अनुग्रह दे कठिन हालात में भी, परिस्थिति जब हम पर दबाव डाले तब भी, बवंडर के बीच भी प्रभु हम तेरे तंबू में सदा रहने वाले बने, मुलाकात लेकर चले जाने वाले नहीं, कभी कभार आने वाले नहीं, हमेशा आपके तंबू में आपकी करीबी में आने वाले आप में बनाए। प्रभु हम आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके दास के लिए, इतनी भारी कठिन समस्या से होकर गुजर रहा था, मूर्छा आ जाए, बेहोश हो जाए, इतना दबाव उसके ऊपर था, फिर भी वो कहता है मैं युगानुयुग तेरी उपस्थिति में तेरे तंबू में बना रहूंगा। प्रभु उस बहन के विषय में हमने सीखा, इतना भारी टोर्नेडो आने के बावजूद भी वो आपके चरणों में आना नहीं चुकी, और उसका परिणाम ये आया, आजू बाजू सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन आपने उस बहन और उनके बच्चों की अपने पंखों की आड़ में सुरक्षा की, आप उनके घर बने, उनका घर अनटच था, छुए बिना टोर्नेडो निकल गया, क्योंकि आपने उनकी सुरक्षा की। जो आपके तंबू में रहते हैं, जो आपकी उपस्थिति में रहते हैं, जो आपसे दूर नहीं जाते, हर रोज, हर पल, हर मिनट, हर दिन, हर साल जो आपके चरणों में, आपके तंबू में बने रहते हैं, प्रभु आपका वचन आज हमें सिखाता है आप उनके घर हो, आप उनकी सुरक्षा हो, आप उनकी मन्नतों दुआओं को सुनकर पूरा करते हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमें अनुग्रह दीजिए कि हम आपके तंबू में सदा बने रहने वाले बने, आपके चरणों में बैठने वाले बने, आपसे दूर जाने वाले न बने। प्रभु कठिन हालात में भी, जब परिस्थिति हम पर दबाव डाले तब भी हम आपके तंबू में, आपकी करीबी में, आपकी उपस्थिति में आना न चुके प्रभु, यह अनुग्रह हम पर होने दीजिए, ताकि आपकी सुरक्षा पाए और हम हमारे शत्रुओं के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर, समस्याओं के ऊपर विजय पाता हुआ देख पाए। परमेश्वर हमारी विनती हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में लाते हैं। प्यारो आप में से अगर कोई बीमार है, कोई भी कोई किसी प्रकार की तकलीफ में, हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं। आप जो भी आपकी समस्या है प्रभु के चरणों में ले जाए, आपकी जो भी जरूरत है वो आप प्रभु के चरणों में ले जाए। चंद सेकंड्स हम आपको देना चाहते हैं प्यारो, आप अपनी समस्या को प्रभु को बताए और फिर हम आपके लिए दुआ करेंगे कि प्रभु आपकी दुआओं को सुने और आपकी जरूरतों को पूरा करें। आप कहिए प्रभु से जो भी जरूरत है प्यारो प्रभु को बताएं, प्रभु आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, प्रभु आपके पुकारों को सुनकर बड़े काम, चमत्कार के काम आपके लिए करेगा। टोर्नेडो, विपत्ति, समस्या, तकलीफ, बीमारी आपको छू नहीं सकेगी, आप अनटच रहोगे, आपको छुए बगैर वो आपसे दूर चली जाएगी। आज आप प्रभु का हाथ पकड़ कर कहिए, प्रभु ये समस्या है, ये तकलीफ है, मैं तेरे तंबू में आता हूँ, मैं तेरी करीबी में आता हूँ, तू मुझे इस समस्या से बाहर ला। हाय दुआ में जाए परमेश्वर, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ प्यारे प्रभु। जितने भी लोग आज हमें, हमारे साथ जुड़कर हमें देख रहे प्रभु, हम उनके लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें और उनके परिवार को, सभी को आप क्षमा करे प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें माफ करे प्रभु। उन्होंने, उनके परिवार ने, हमने जाने अनजाने में जो भी गलती की हो, जो भी पाप किए हो, यीशु मसीह के लहू में हमें धोकर शुद्ध कीजिए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हमें क्षमा करे प्यारे पिता। हम सब मिलकर क्षमा मांगते प्रभु, हमें माफी दीजिए, हमें क्षमा करे, जाने अनजाने में जो भी गलती, पाप, अपराध हमने किए हुए हो, हमें माफी दीजिए प्रभु। लेकिन हमारी प्रार्थना है प्रभु, हम आपके दास सब मिलकर इन हर एक लोगों के लिए दुआ करते हैं, यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य इन हर एक व्यक्तियों के सिर से लेकर पैरों के तले तक बहे, और इनके शरीर में अगर कोई भी बीमारी है दूर हो जाए बीमारी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बीमारी इन जीवनों को, शरीरों को छोड़कर दूर हो जाओ प्रभु यीशु के नाम में। अगर कोई भी दुष्ट आत्माओं के बंधन इनके जीवनों के ऊपर है, शरीरों के ऊपर है, इनके परिवार के ऊपर है, इनके घरों के ऊपर है, वो सारी दुष्ट आत्माओं के बंधनों को हम यीशु मसीह नाजरी के नाम से तोड़ डालते हैं, निष्फल करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
प्रभु यीशु के नाम की सामर्थ बहे, दुष्ट आत्मा इनके घरों को, जीवनों को, परिवारों को छोड़कर दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु इनकी जो भी जरूरत है वो स्वर्ग सिंह की जरूरतों को पूरा करो, स्वर्ग सिंह की जरूरतों को पूरा करो, स्वर्ग की खिड़कियों को, द्वारों को इन सभी के लिए खोल दिया जाए। ये नए सप्ताह में इनकी जरूरतों को यीशु मसीह के नाम से पूरा किया जाए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग प्रभु पैसों की कमी से होकर गुजर रहे हैं, जिन्होंने जॉब गवाई है या तो जॉब में जो इनकम है वो बहुत कम है प्रभु, जिनके धंधे, जिनके बिजनेस खो चुके हैं प्रभु, हम दुआ करते यीशु मसीह के नाम में, यहोवा इरे उनकी जॉब में आप बरकत दो, उनकी सैलरी बढ़े, नई जॉब दीजिए प्रभु जिन्होंने जॉब गवाई है, बिजनेस में तरक्की लाए, बिजनेस में आशीषों के द्वार खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बिजनेस के ऊपर कोई भी शैतान के बंधन हो टूट जाए प्रभु यीशु के सामर्थ्य और महान नाम में, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह से इन सभी लोगों को भर दीजिए प्रभु, और ये नया सप्ताह के लिए आशीष का सप्ताह, विजय का सप्ताह बन जाए यीशु मसीह के नाम में, आनंद का सप्ताह, आनंद का वीक बन जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने भी लोग प्रभु आज वचन के अनुसार जो हमने सीखा है वो करने में निष्फल जा रहे हैं, जितने लोग आपके तंबू से दूर है, जितने लोग आपकी करीबी से दूर है, कभी कभार आपके चरणों में आते करीब, आपके करीब आते वापिस दूर चले जाते हैं, आज आपका अनुग्रह उन पर हो, आज आपका अनुग्रह उन पर और हम सब पर हो, ताकि आपके दास के कहे अनुसार हम आपके तंबू में, आपकी करीबी में, आपके आज्ञा पालन में, दुआ में, विश्वास में, वचन पढ़ने में युगानुयुग बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रभु हमारी दुआ है, आप हमारी दुआओं को कबूल करें प्यारे पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। आए प्रभु ने सिखाई हुई दुआ हम साथ मिलकर बोले, आकाश मना हमारा बाप, तुम्हारा नाम पवित्र बनाओ, तुम्हारा राज्य आओ, जब आकाश मा पृथ्वी पर हमारी इच्छा पूरी था, दिवस की रोटी आज हम ना हो, जब हमारा ऋणियों ने माफ कर तेम तमे मारा ऋण अमने माफ करो, और परीक्षण में न लाओ, दाय थी छुटको करो, के राज्य पराक्रम महिमा सर्वकाल सुधी तमारा छे, आमेन। प्रभु यीशु की कृपा, परमेश्वर पिता का प्यार और पवित्र आत्मा की संगति हम सभी के साथ बनी रहे, और हमें अनुग्रह दे कि हम प्रभु के तंबू में, प्रभु की करीबी में युगानुयुग हमेशा बने रहने वाले, आमेन।